वेलकम डियर स्टूडेंट्स, प्रज्ञा ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, आपको मैंने पिछले टर्म में बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, आपको मैंने बाइनरी फिजन पढ़ाया था, बाई माने दो, फिजन माने टूट जाना। अब बैक्टीरियल सेल या पेरेंटल सेल ब्रेक इन टू पार्ट, ईच पार्ट फ्रॉम द न्यू ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर मैंने आपको मेडिकल के दो क्वेश्चन बनाए थे। इफ अ बैक्टीरिया डिवाइड इन 10 मिनट, 1 मिनट, कोई भी टाइम हो, देन हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन 1 आवर, 2 आवर, जितने भी निकालना हो। तो उसमें आपको 2n निकालना होता है, और उसमें आपको करना क्या होता है, तो आपको जितना आवर होता है, समय होता है, उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, और जितने मिनट में मल्टीप्लाइड होता है दैट डिवाइड एंड फॉर्म, तो हम उसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं। जितने मिनट में वो डिवाइड होता है उतना ही बैक्टीरिया बन जाएगा 2n। तो मान लीजिए आप बैक्टीरिया डिवाइड इन 1 मिनट, और हाउ मेनी बैक्टीरिया फॉर्म 20 मिनट, तो 2n20 हो जाएगा, 2n20 हो जाएगा। अब 20 times 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा। इसी तरह इसका एक बताया था आपको कि आप बैक्टीरिया मल्टीप्लाई 1, 2 मिनट, जो भी मिनट है, और ही फिल अ कप इन 1 आवर, देन हाफ कप फिल। तो जितने मिनट में डिवाइड होता है उतने मिनट पहले हाफ होगा, और उसका हाफ उतने मिनट पहले होगा, उसका हाफ फिर उसका हाफ, तो इस तरह से चलता रहता है। तो बैक्टीरिया का ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, ये था बैक्टीरिया में आपने पढ़ा। अब आपकी बात आती है मल्टीप्लिकेशन के बाद, बाइनरी फिजन के बाद, अब अगला आता है बडिंग, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग रिप्रोडक्शन फाउंड इन सम बैक्टीरिया एट ए बिगडी बायफिडस बैक्टीरियम, बैक्टीरियम बिगडी बायफिडस, तो उसमें मिलता है आकर इन सम बैक्टीरिया, आकर इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन है, ये भी हो सकता है बिगडी बायफिडस। एग्जाम्पल के तौर पर जाएँ आप, तो होता है बिगडी बायफिडस, बायफिडस। अब ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं मल्टीप्लाइड, और ये दे फॉर्म द बड। बड क्या होता है, बड इज द आउट ग्रोथ। बड क्या होगा, आउट ग्रोथ। बड क्या है, आउट ग्रोथ ओवर ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स पर क्या हो जाएगी, आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ का बड व्हेन ब्रेक देन फॉर्म द न्यू आर्गन, इट कॉल्ड बड, बड व्हेन बड ब्रेक देन फॉर्म न्यू, देन फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरह से आप देखते हैं बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में बडिंग हो जाती है। तो बड इज द आउटग्रोथ, व्हेन आउटग्रोथ डिटैच देन फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद आपका बडिंग के बाद क्या हो सकता है, एंडोस्पोर, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन, और इट इज रेसिस्टेंट फॉर पीएच, टेम्परेचर एंड केमिकल। तो एंडोस्पोर डेवलप इन अनफेवरेबल कंडीशन, एंडोस्पोर डेवलप फॉर्म्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्म्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो एंडोस्पोर फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन, अब क्या होगा, फॉर्म्स इन अनफेवरेबल कंडीशन मतलब इट इज रेसिस्टेंट, इट इज रेसिस्टेंट
pH, high temperature, 104 degree centigrade, high temperature, 104 degree centigrade. तो resistant है, pH में है, high temperature में है और आपका chemical, इन सब से ये resistant रहता है. अब इसमें क्या से बनता कैसे, तो बैक्टीरियल सेल बिकम इलिप्सॉइडल. बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल बिकम इलिप्सॉइडल, इलिप्सॉइडल और उसका न्यूक्लिक मटेरियल प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट्स इन ए एंड. न्यूक्लिक मटेरियल प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट्स एक्युमुलेट इन वन एंड, इसी एक एंड पर वो एक्युमुलेट हो जाएगा, एक्युमुलेट इन वन एंड. It is bounded by three layer membrane. इसके लिए वो प्रोटीन बाहर होती है अंदर, कैल्शियम डाइक्लोरोनिक एसिड मेम्ब्रेन, आउटर कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर कॉल्ड कैल्शियम डाइक्लोरोनिक एसिड कवर. और यही होता है पीएच रेसिस्टेंट, पीएच रेसिस्टेंट होता है. अब क्या है, लो पीएच है, हाई पीएच है, या ऐसा कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशन है, दैट कैन नॉट डाई, मानी ये मरेगा नहीं, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है. और ये मल्टीप्लाई भी नहीं होता है, एंडोस्पोर डज नॉट मल्टीप्लाई, मतलब एंडोस्पोर नो प्रोड्यूस न्यू ऑर्गन, एंडोस्पोर इज विदाउट, इट इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, विदाउट मल्टीप्लीकेशन. इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, नो इंक्रीज द नंबर, विदाउट मल्टीप्लीकेशन है, इसमें नंबर नहीं बढ़ेगी, बट दैट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन ये रिप्रोडक्शन है, लेकिन नो मल्टीप्लाइड है, नो मल्टीप्लाइड इसमें नंबर्स नहीं बनेंगी. तो एंडोस्पोर इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, विदाउट मल्टीप्लीकेशन. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आगे प्रोसेस क्या चलता है इसमें, तो आगे प्रोसेस क्या होगा, नंबर तो नहीं बढ़ेगी लेकिन प्रोटेक्शन बना रहेगा. जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, एंडोस्पोर क्या हो जाएगा, कवर बस्ट एंड फॉर्म द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई बाई बायोनिक फिशन. तो देखिए, इट इज द एक प्रोटेक्टिव कंडीशन है. इन स्ट्रीम कंडीशन लो पीएच, हाई टेम्परेचर, केमिकल, कोई केमिकल ऐसा है जिसमें बैक्टीरिया किल हो सकता था, तो इट प्रोटेक्ट, ये उसको बचा लेता है. ये स्पेशलाइजेशन फीचर होता है इसका, इसको कहते हैं एंडोस्पोर. पर एंडोस्पोर सभी बैक्टीरिया नहीं बनाते हैं, एंडोस्पोर डेवलप्स, एंडोस्पोर फॉर्म इन बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम. और ये करीब करीब 15-16 घंटे बन पाता है. डेवलप्स इन 15-16 आवर, माने ये 15-16 घंटे लेता है बनाने में, और बना लेगा तो इस मोस्ट प्रोटेक्टिव, मोस्ट प्रोटेक्टिव मोस्ट डिफेंसिव हो जाता है. तो ये आपका मिलेगा नहीं, तो एक कम क्या होता है, एंडोस्पोर डेवलप्स, एंडोस्पोर फॉर्म्स अबाउट द टेप, एंडोस्पोर फॉर्मेशन complete about
अबाउट 15-16 आवर, माने 15-16 आवर लग जाता है, और जब ये बना लेता है तो प्रोटेक्ट कर लेगा, ये कहलाता है एंडोस्पोर। अब देखिए इसको थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंडोस्पोर का डायग्राम। देखिए ये जैसे आपका है, ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये आपका चलिए बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया का ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया इसका न्यूक्लिक मटेरियल न्यूक्लियोइड। अब आप देखिए अब क्या हो गया, बिकम इलिप्सॉइडल, इलिप्सॉइडल हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इलिप्सॉइडल हो गया, क्या हो गया, ये इलिप्सॉइडल हो गया। अब ये इलिप्सॉइडल हो गया, और न्यूक्लिक मटेरियल वाला जो प्रोटोप्लाज्म वाला पोर्शन कोर कहलाएगा, ये एक इन पर कलेक्ट हो जाएगा आके, ये एक इन पर यहाँ पर आके कलेक्ट हो गया, इसको कोर बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको कोर। अब ये बाउंडेड हो जाएगा थ्री लेयर मेम्ब्रेन से, बाउंडेड बाय थ्री लेयर मेम्ब्रेन, आगे क्या हो जाएगा, थ्री लेयर मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाएगा, बाउंडेड बाय थ्री लेयर मेम्ब्रेन। बाउंडेड बाय थ्री लेयर मेम्ब्रेन, इसमें थ्री लेयर मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब ये देखिए थ्री लेयर मेम्ब्रेन ऐसे, और अब ये आपका थ्री लेयर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इसका कोर है, ये देखिए सबसे अंदर होगा कैल्शियम डाइपिकोलिन, और बाहर वाला होता है स्पिंडल प्रोटीन प्रोटीन, और ये आपका है कॉर्टेक्स, और ये है कोर। अब आप देखिए ये कहलाएगा एंडोस्पोर, ये बैक्टीरिया था, और ये बैक्टीरिया ने ये एंडोस्पोर बना लिया, तो एंडोस्पोर फॉर्मिंग एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर डज नॉट मल्टीप्लाई, तो विदाउट रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन, ये कब बनेगा, अनफेवरेबल व्हेन कम बैक फेवरेबल देन रैप्चर्ड माने बस्ट, और ये आपका जैसा बच्चे था वैसे निकल आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन से अपने नंबर को बढ़ाएगा। एंडोस्पोर बस सिर्फ प्रोटेक्टिव होता है, और बैसिलस एंड क्लास्टिडियम मेट्रिया फॉर्म द एंडोस्पोर। अगला होता है कोनिडिया, अगला होता है कोनिडिया। अब देखिए कोनिडिया क्या है, कोनिडिया समय नहीं बनता है, कोनिडिया कोनिडिया रिप्रोडक्शन ये फाउंड इन सब मैट्रिया, जैसे वही आपका कौन से जो आपके पेनिसिल जितने भी बैक्टीरिया हैं आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस वो बनाते हैं, कोनिडिया रिप्रोडक्शन फाउंड इन माइसीरियल बैक्टीरिया। इसमें जैसे आपका आ जाता है कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये इसमें क्या होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ही एंटीबायोटिक होता है, माने प्रोवाइड द एंटीबायोटिक्स, जितनी भी मेडिसिन बनती सब स्ट्रेप्टोमाइसिस कुछ बैसिलस से बनती है। अब ये बैक्टीरिया देखिए ऐसे रहता है, इसको कहते हैं माइसिस फॉर्म। अब इसमें क्या होता है जो ये रहेगा इसी पर ऐसे कोनोडियो फोर, और एक ऊपर एक ऐसे चैन बनती चली जाती है, एक ऊपर एक ये बनती चले जाते हैं, ये कहलाता है कोनोडियो फोर कोनोडियो फोर, और ये होते हैं कोनिडिया, और ये कोनिडिया होते हैं ब्रेक एंड फॉर्म द न्यू, तो सभी में नहीं होता है, तो कोनिडिया ब्रेक एंड कोनिडिया ब्रेक and forms and produce new material, new material। देखिए एक ये भी हो जाएगा, ये सब asexual mode है, बस single parents है, orthospore भी हो जाता है, orthospore, spore,
ओम्स इन डेवलप्स इन एक्टिनोमाइसिस आपके तो माइक्रोबैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरिया में बनता है आर्थ्रोस्पोर जूस्पोर जूस्पोर मोटिल स्पोर होते हैं मोटिल स्पोर डेवलप या फॉर्म्स इन डेवलप इन जूस्पोर डेवलप इन तो डेवलप इन मोटिल स्पोर डेवलप इन राइस होते हैं राइसोम ये आपका होता है नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया तो ये सब ए सेक्सुअल मोड है तो ए सेक्सुअल इन वेजिटेटिव एज लाइक बोथ आर बाय सिंगल पेरेंट्स ए सेक्सुअल बाय स्पोर्स और वेजिटेटिव बाय ब्रेकिंग तो बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन दैट इज अ वेजिटेटिव एंड अदर कंडीशन आर कॉल्ड ए सेक्सुअल माने जूस्पोर एंडोस्पोर कोनिडियोस्पोर ये सब क्या है तरह का आपका ए सेक्सुअल है क्यों वेयर द स्पोर फॉर्मेशन देन ए सेक्सुअल बोथ आर बाई सिंगल पेरेंट्स हो वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल है तो ये एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मोड का अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अब आप देखेंगे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया इज ऑलवेज हैप्लॉयड बैक्टीरिया ऑलवेज हैप्लॉयड नो फॉर्म गैमेट नो फ्यूजन नो फॉर्म द जायगोट बट अकर द जीन रिकॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल जीन रिकॉम्बिनेशन से ही होता है सेक्सुअल ध्यान रखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अब आप देखिए बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बाय ओनली बाय द जीन रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय द जीन रिकॉम्बिनेशन because no meiosis ends no complete fusion. देखिए यहाँ ना तो complete fusion होता है और ना ही meiosis होता है no alteration. तो यहाँ सिर्फ ओनली बाय द जीन रिकॉम्बिनेशन एंड इट प्रोड्यूस वेरिएशन सो कॉल्ड सेक्सुअल देता है सिर्फ इसको हम सेक्सुअल कहते हैं अब आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्री टाइप इन बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में कितने टाइप्स से सेक्सुअल होता है तो थ्री टाइप्स होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्री टाइप इन बैक्टीरिया पहला होता है कॉन्जुगेशन दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन फिर होता है ट्रांसडक्शन तो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन तो पहला है कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अब देखिए सेक्सुअल क्यों क्योंकि इन्वॉल्व टू पेरेंट्स यहाँ क्या होता है इन्वॉल्व टू पेरेंट्स इसीलिए ये सेक्सुअल है यहाँ पर क्या होंगे Involved two parents. देखिए आपका वेजिटेटिव एसोसिएशन में क्या था बाय सिंगल पेरेंट्स था यहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और बैक्टीरिया कभी भी डायप्लॉयड नहीं होता ऑलवेज हैप्लॉयड ही रहेगा अब बात आती है कॉन्जुगेशन
अब देखिए आप कॉन्जुगेशन में क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन ये भी टू पार्ट होता है। कॉन्जुगेशन को जाता है लेटर वर्ग एंड टैटम। कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय पुट फोर्थ बाय फाइंड बाय डिस्कवर्ड बाय लैडर वर्ग एंड टैटम। लैडर वर्ग एंड टैटम, लैडर वर्ग और टैटम ने दिया था। इसको किसने दिया था? लैडर वर्ग एंड टैटम, लैडर वर्ग एंड टैटम। अब यहां पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस बैक्टीरिया किसने दिया था? लैडर वर्ग एंड टैटम। अब इसमें ये क्या होता है, कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव। आपको एफ बताया था, एफ का मतलब होता है प्लाज्मिड फैक्टर। इफ एफ प्लाज्मिड फैक्टर प्रेजेंट पॉजिटिव अब्सेंट देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज कॉल्ड डोनर, नेगेटिव इज कॉल्ड रिसेप्टर। अब इन दो के बीच होता है, देखिए ये एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया मान लीजिए, ये आपका एफ पॉजिटिव है, और एफ पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था सेक्स पीली आकर 1-4। अभी भी इसके पास सेक्स पीली है, क्या है? सेक्स पीली। ये सेक्स पीली है तो ये क्या है? सेक्स पीली, और ये क्या हो गया? एफ पॉजिटिव। ग्राम में क्या है? ये निगेटिव है, ग्राम में ये निगेटिव है। और इसी तरह आपका एक दूसरा बैक्टीरिया है, ये आपका दूसरा बैक्टीरिया है, ये आपका एफ निगेटिव है। चलिए ये क्या हो गया? एफ निगेटिव, ये बैक्टीरिया एफ निगेटिव है, एफ निगेटिव। जो निगेटिव होता है उसको एसेप्टर रिसेप्टर कहते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसे डोनर कहते हैं। अब आपका क्या होता है, ये बोथ आर फिक्स फ्रॉम सेक्स पीली। अब आपको देखिए सेक्स पीली से दोनों फिक्स करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को सेक्स पीली से फिक्स करेंगे। अब देखिए सेक्स पीली के थ्रू ये एक दूसरे से फिक्स हो जाते हैं, अब ये इसका न्यूक्लिक मटेरियल है और ये इसका न्यूक्लिक मटेरियल। अब क्या होता है, एफ पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब एफ पॉजिटिव का ये बन गया कॉन्जुगेशन टू, एफ पॉजिटिव का मटेरियल ये न्यूक्लिक मटेरियल निगेटिव के अंदर चला जाता है, इसको कहेंगे हम एक्सोजेनोट वाला, ये हो जाता है एक्सोजेनोट, और ये वाला होगा एंडोजेनोट। अब देखिए एक्सोजेनोट कहाँ जाएगा, गोजेन एंडोजेनोट। ये वाला इसी ट्यूब से होता हुआ ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, और इस ट्यूब से इसके अंदर आ जाएगा, इस ट्यूब से इसके अंदर आ जाएगा। इस ट्यूब से इसके अंदर पहुंच गया। अब देखिए यहाँ से डीएनए, ये आ गया इसका डीएनए एक्सोजेनोट का, और ये है एंडोजेनोट डीएनए। अब आप देखिए ये खाली हो जाएगा, इनपुटी हो गया, तो क्या हो गया? एक्सोजेनोट, ये एक्सोजेनोट है एक्सोजेनोट, और ये आपका एंडोजेनोट। अब क्या होगा, सम जीन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे एक्सो और इंडो के, देन एंडोजेनोट फिनिश्ड डिस्ट्रॉयड, एंडोजिनोट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ये तो खाली हो गया, तो खत्म ही हो गया, इससे कोई मतलब नहीं।
अब आप देखिए होगा क्या, यहाँ जीन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे एंडोजिनोट पर, एक्सोजिनोट पर एंडोजिनोट के कुछ जीन आ गए एंड एंडोजिनोट डिस्ट्रॉयड, एंडोजिनोट डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ क्या हो गया, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेंट किसके किसके हो गए, एक्सोजिनोट एंड एंडोजिनोट, एंडोजिनोट एक्सोजिनोट के ये जीन रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, जीन रिकॉम्बिनेंट एक्सो एंड एंडोजिनोट, एक्सो एंड एंडोजिनोट। और अब क्या होगा, देन डेवलप द वेरिएशन, ये क्या बनाएगा, वेरिएशन बनाता है, और वेरिएशन इज द काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए वेरिएशन इज द काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एफ पॉजिटिव और एफ निगेटिव के बीच, इसको एफ पॉजिटिव कहेंगे, इसको एफ निगेटिव। तो अब आप देखिए लेटर वर्ड टैटर में देखा था, देखिए तो अटैच्ड, अटैच्ड एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम सेक्स पिली, सेक्स पिली देन डेवलप्स, डेवलप कॉन्जुगेशन ट्यूब, एफ पॉजिटिव इसका डोनर, एफ पॉजिटिव क्या होता है डोनर, एंड एफ निगेटिव रिसेप्टर, क्या होगा रिसेप्टर, एफ पॉजिटिव न्यूक्लिक मटेरियल, एफ पॉजिटिव न्यूक्लिक मटेरियल माने वे न्यूक्लियोइड, गोज इन एफ निगेटिव सेल। अब क्या होगा, एफ निगेटिव एंड पॉजिटिव सम जीन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट एफ निगेटिव जेनेटिक मटेरियल मटेरियल क्या हो जाएगा, डिसअपीयर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिजर्नेट हो जाएगा, इट फॉर्म्ड मीजोजीन, मीजो जाएगो नॉट टू जाएगो, क्या बनाता है ये मीजो जाएगो बनाता है एंड सेक्सुअल। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसमें होता क्या है, मीजो जाएगो मतलब वर्ब खत्म हो गया, अब वो उससे जुड़ रहा है, तो इस तरह से जाएगो बन रहा है, तो ये किसके किसके बीच था, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव। ये कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मेनली होता है तो कॉन्जुगेशन से ही होता है, लेकिन थ्री टाइप हैं ये मेनली होता है, एफ पॉजिटिव एंड ई कोलाई में इसको खो जाता है, डिस्कवर्ड बाय लेटर टैटर इन ई कोलाई, इसीरिया कोलाई बैक्टीरिया में देखा था, इसीरिया कोलाई में इसको देखा था। अब आपका अगला आता है एफ पॉज बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एपिसोम वाला, ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन और हो सकती है, एक कंडीशन और हो सकती है बिटवीन कॉन्जुगेशन, बिटवीन कॉन्जुगेशन बिटवीन बिटवीन एफ नेगेटिव एंड एच एफ आर, एच एफ आर क्या होता है हाई फ्रीक्वेंसियल, ये एक केवेरी साइंटिस्टों ने बताया था, हाई फ्रीक्वेंसियल का मतलब क्या होता है, इसमें जो इसका रिकॉम्बिनेशन पावर होता है वो मैनी टाइम मोड होता है, मैनी टाइम मोड होता है एच एफ आर हाई फ्रीक्वेंसियल। ये कौन होता है, इपिसोमिक शब्द बताया था आपको, माने द प्लाज्मिड अटैच फ्रॉम
मेन न्यूक्लिक मटेरियल देन फॉर्म एपिसोम, एपिसोम वाली कंडीशन को क्या कहते हैं एचएफआर। तो यहाँ फास्टली होता है एपिसोम, एपिसोम माने एप पॉजिटिव बस एपिसोम होता है। एपिसोम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मिड है एप प्लाज्मिड अटैच फ्रॉम मेन न्यूक्लिक मटेरियल मेन क्रोमोसोम देन एचएफआर, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट इसी तरह होगा बट फ्रीक्वेंसी हाई होती है। 3 मिनट में 1 जीन रिकॉम्बिनेंट होता है, 7 मिनट में 1 और 20 मिनट में 3, 100 मिनट में 8 जीन, लगभग 4000 जीन होते हैं। इसकी पावर क्या होती है अबाउट 1 जीन रिकॉम्बिनेंट 7 मिनट और 3 जीन रिकॉम्बिनेंट 20 मिनट होना चाहिए 21 और आल जीन रिकॉम्बिनेंट 100 मिनट माने 4000 के आसपास जीन होते हैं, 4000 के आसपास होते हैं। तो इतना हाई फ्रिक्वेंशियल होता है, बस वही चीज़ है। बस इसमें क्या होता है एपिसोम, एपिसोम का मतलब होता है प्लाज्मिड अटैच फ्रॉम मेन डीएनए, वो हो जाता हाई फ्रिक्वेंसियल, इसकी अपेक्षा उसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 2। अच्छा अगला आता है ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ट्रांसफर जीन ट्रांसफर देन कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोडक्शन। इसको एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ और इन्होंने इसको खोजा था डिप्लोकाकस निमोनिया। अब इसमें क्या होता है एक निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है और एक निमोनिया नॉन पैथोजेनिक होता है। अब उसको उन्होंने माइस में इंटर करके और सब चीज करके देखा कि जब दोनों को रिकॉम्बिनेट कराते हैं देन बिकम ट्रांसफर्ड हो जाते हैं नॉन पैथोजेनिक बिकम पैथोजेनेटिक। देखिए क्या है एक साइंटिस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इसको डिस्कवर किया था, अभी आपको मैंने बताया ग्रिफिथ, डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ, एक साइंटिस्ट है ग्रिफिथ, इन्होंने इसको देखा था इन डिप्लोकाकस निमोनिया ये बैक्टीरिया है इससे निमोनिया फैलता है, क्या फैलता है निमोनिया कॉजिंग। तो अब देखिए उन्होंने क्या किया एक यहाँ पर पॉइंट देखा तो निमोनिया पैथोजेनेटिक इसको एस स्टेन का एस माने स्मूथ, स्मूथ का मतलब है इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट स्लाइम लेयर प्रेजेंट। आपको बताया था कैप्सूल स्लाइम लेयर वो भी सकती नहीं जो सकती इसके पास रहेगी स्टेन। इंजेक्ट इन माइस क्या हुआ डीएनए को इंजेक्ट किया इसके डीएनए को निमोनिया पैथोजेनिक स्टेन बैक्टीरिया डीएनए स्टेन न्यूक्लिक मटेरियल इंजेक्ट इन माइस क्या हो जाता है माइस किल्ड हो गए। फिर उन्होंने क्या किया नॉन पैथोजेनेटिक इसको कहा गया आर स्ट्रेन माने रफ वाल स्मूथ वाल माने इसके पास कैप्सूल नहीं रहेगा आर स्ट्रेन न्यूक्लिक मटेरियल वही सिर्फ इंजेक्ट इन माइस तो क्या है माइस जब चूहे जिंदा रहते हैं देखिए इसमें मर जा रहे हैं इसमें जिंदा रह रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया अब क्या किया ऊपर वाले को हीटअप कर दिया क्या है निमोनिया पैथोजेनेटिक
आर स्ट्रेन हीट इन हाई टेम्परेचर, फिर क्या किया इंजेक्ट माइस, अब क्या होता है डीएनए ओपन, तो क्या होता है माइस लिफ्ट, माइस लिफ्ट क्योंकि डीएनए ओपन हो जाता है तो नो इफेक्ट आएगा, डीएनए ओपन हो जाता है नो इफेक्ट आता है, फिर उन्होंने क्या किया, अब देखिए ये जो आपका है इसको और इसको मिक्स किया, क्या किया ट्रीटेड, ट्रीटेड माने ये वाला ट्रीटेड पैथोजेनेटिक जेनेटिक न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए के अलावा कुछ भी करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, मटेरियल कल्चर विद, कल्चर विद क्या हो गया नॉन पैथोजेनेटिक, नॉन पैथोजेनेटिक जेनेटिक आर स्ट्रेन न्यूक्लिक मटेरियल। अब देखिए इसके साथ उन्होंने इसको कल्चर किया, दोनों को कल्चर किया, तो ये आर स्ट्रेन का डीएनए, ये मैंने एस स्ट्रेन ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब हीट, ट्रीटेड डीएनए, और ये क्या था आपका आर स्ट्रेन, और दोनों का डीएनए, और इसको कल्चर, और अब आपने उन्होंने देखा दोनों का जीन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पहले हो गया था ट्रीटेड से क्या हो गया था इनएक्टिव हो गया था, अब इनको मिला दिया, अब मिलाने के बाद देखिए दोनों का एक इसका डीएनए और एक इसका डीएनए, दोनों को डीएनए अब रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, फिर उनको इससे बैक्टीरिया बनाया, फिर आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन बिकम एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन कन्वर्ट इन, कन्वर्ट, कन्वर्ट एस स्ट्रेन, मतलब क्या है नॉन पैथोजेनेटिक चेंज इन पैथोजेनेटिक, नॉन पैथोजेनेटिक चेंज इन पैथोजेनेटिक, और जो भी चेंजिंग आएगी वो वेरिएशन बाय द सेक्सुअल। ये आपका इससे उन्होंने बताया डीएनए, यही से उन्होंने बताया डीएनए इज जेनेटिकल, यहाँ से क्या बताया डीएनए इज जेनेटिकल भी बताया उन्होंने, और यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफर हो जा रहा, जो आर स्ट्रेन है रफ हो रहा है नॉन पैथोजेनेटिक बिकम पैथोजेनेटिक हो रहा है, तो ये चेंजिंग जो शो हो रही है वो उसके आधार पर उन्होंने बताया। इसको फिर आगे बढ़ाया था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टिन इन स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी में, रिपीट किया था, रिपीट किया था स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी में, किसने किया था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टिन, और यहाँ से क्या एक्सप्लेन किया था डीएनए इज जेनेटिकल, ये आपका 12th में क्वेश्चन है और नीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डीएनए इज जेनेटिकल एक्सप्लेन बाय ग्रिफिथ, फर्स्ट यूनिट क्या था, देन इसको क्या किया था रिपीट किया था एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, उन्होंने स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी में किया, तो इसको इसको कहते हैं कैप्सुलेटेड, इसको कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड बिकम कैप्सुलेटेड व्हेन द मिक्सिंग, डीएनए के अलावा अगर कोई चीज की आप करते हैं तो उससे नो इफेक्ट नो चेंज, सो डीएनए इज जेनेटिकल, इस बात को यहाँ से एक्सप्लेन किया गया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको रिपीट किसने किया था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने इसको रिपीट किया, ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब लास्ट है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन रिप्रोडक्शन जो था उसको डिस्कवर किया था, ट्रांसडक्शन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे लैटरबर्ग और जिंडर, इसके लिए कौन थे ग्रिफिथ, और फिर बाद में रिपीट करने वाले एवरी मैक्लियोड मैकार्टी। अब है आपका ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन तो ट्रांसडक्शन रिप्रोडक्शन इज डिस्कवर्ड बाय ट्रांसडक्शन
reproduction is discovered by Lederberg and Jinder. Lederberg and Jinder. अब आप देखिए Lederberg और Jinder ने दिया था इसको, Lederberg और Jinder ने दिया था, और उसको Lederberg और Tetan ने, इन Salmonella typhlorium, इन Salmonella typhlorium, typhlorium, Salmonella typhlorium ने दिया था Lederberg एंड Jinder. तो Lederberg और Jinder ने डिस्कवर किया था Salmonella typhlorium में. अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन. दिस टाइप रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द वायरस. बस यही पूछा जाता है क्वेश्चन मेडिकल में, वायरस के द्वारा. इट इज टेक प्लेस या जीन ट्रांसफर बाय वायरस. टेक प्लेस बाय वायरस माने क्या होता है, बैक्टीरियल जीन डीएनए ट्रांसफर्ड बाय वायरस. वायरस के थ्रू यहां पर ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांसडक्शन. अब आप देखिए ये आपका बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और ये बैक्टीरिया का डीएनए है. अब इस पे बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये इसका न्यूक्लिक मटेरियल है, और ये यहाँ पर इसके कांटे होते हैं जिनसे इसको तोड़कर अपने न्यूक्लिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है. अब यहाँ से तोड़कर अब क्या करेगा, कवर तो यही रहेगा बाहर, और सिर्फ इसका न्यूक्लिक मटेरियल यहां आएगा. और देखिए कवर तो बाहर ही रह जाएगा, कवर अंदर नहीं आता है, बस रिकवर हो जाता है, ये इम्प्टी हो गया. अब ये वायरस का न्यूक्लिक मटेरियल और ये बैक्टीरिया का न्यूक्लिक मटेरियल है. अब आप देखिए ये क्या हो गया, वायरस न्यूक्लिक क्या, वायरस का डीएनए है, और ये बैक्टीरिया न्यूक्लिक मटेरियल है, न्यूक्लिक है. अब इन दोनों का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेंस. अब ये रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, लेकिन ये जो वायरस का डीएनए आया है इसमें क्या है, बैक्टीरियल डीएनए होता है. कैसे होता है, अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया. अब उसके बाद यहाँ पर वायरस अपनी काउंट को क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा. वायरस की काउंट बढ़ेगी यहाँ पर, तो वायरस देखे रिप्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसमें क्या रहेंगे, बैक्टीरिया का जीन रहेगा. रिकॉम्बिनेंट वायरस आपका लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है, वायरस आपका लिविंग और नॉन लिविंग होता है. अब वायरस ये बैक्टीरियल सेल को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके तमाम वायरस ये निकल पड़ेंगे, क्या होंगे, जैसे कि वायरस 4, 5, 6 वायरस बन जाएंगे. ये 4, 5 वायरस है, जो भी वायरस है ये बन जाएंगे. अब ये जो वायरस बनेंगे इनमें क्या पाया जाएगा, आपका बैक्टीरिया का डीएनए पाया जाएगा. तो ये बैक्टीरिया का डीएनए फिर जब दूसरे वायरस में बैक्टीरिया में जाएगा, तो बैक्टीरिया डीएनए आर रिकॉम्बिनेंट. तो यहाँ पर कॉन्जुगेंट होता है, यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर होता है बाय द वायरस होता है, जीन ट्रांसफर बाय द वायरस, माने ये वायरस बैक्टीरिया का डीएनए लेकर आया है. अभी पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है, ये लेकर आया होता है तो ये ट्रांसफर करता है. तो यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर होता है, जो कैरी किया जाता है, वो बाय द वायरस होता है. वायरस हेल्प वाले को क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन. और जब उसका कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड या वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट या आप उसको कहें पैथोजेन नॉन पैथोजेन, जो चेंजेस आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन. और जब
डायरेक्टली कॉन्जुगेट होते हैं तो कॉन्जुगेशन है। ये आपका कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो बाइनरी फ्यूजन पीछे बता चुका था, बाकी टाइप के रिप्रोडक्शन मैंने आज बता दिए। अब आपका रिप्रोडक्शन ये पूरा हुआ, अगले टर्म में हम आपको पढ़ाएंगे साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, तब बैक्टीरिया आपका पूरा होगा। तो अगले टर्म में बैक्टीरिया पूरा होगा। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस 12th में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता दूंगा। चलिए ठीक, थैंक यू। और अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मैं बराबर आपको अपना नंबर देता जा रहा हूँ, आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप 777-20-26-16-4। ठीक, ओके, थैंक यू।